दोस्तों अमेरिका से एनी टाइम देखिएगा बैक टू बैक अपडेट आने वाली है, बैक टू बैक। और अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो रात को मैं अपडेट करूंगा 12 से 1 बजे के बीच में कि सिनेरियो क्या है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जैक्टली बताऊंगा कल की मार्केट कहां से उठेगा, कितने मिनट में उठेगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब बेस्ट पार्ट आने वाला है और बेस्ट पार्ट में क्लियरिटी आ चुकी है और आपको पूरी क्लियरिटी पता होनी चाहिए ताकि आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इस डिप पे, इस गिरावट पे, जो भी स्टॉक ले रहे हो उसका सिलेक्शन बहुत ही स्क्रीनिंग में होना चाहिए, यानी कि उसकी स्क्रूटनी करिएगा कि बजट में इसकी बात हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग 4 पॉइंट्स बताऊंगा जिसकी बजट में बात भी होगी और जिस पे लगातार कंसल्टेशन चल रहा है। द इकोनॉमिक टाइम्स की देखिएगा अपडेट है, ये बजट एक बूस्टर डोज होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसका बहुत बड़ा कारण है, अभी मैं बताऊंगा। लाइक करिए वीडियो को ताकि एप्रिसिएशन मिले और ऐसी बैक टू बैक इंफॉर्मेशन मिले। तो देखिएगा, बूस्टिंग करनी है, स्टेबिलिटी करनी है फाइनेंशियल सेक्टर की पूरी तरीके से। ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, ग्लोबल क्लियरिटी नहीं है, बट वी आर रूलिंग द G20 ऑल्सो। G20 में हम प्रेसिडेंट बन चुके हैं, फॉरेन पॉलिसी हमारी इंडिपेंडेंट है, रशिया का हमारे पास देखिएगा कोई पैनिक नहीं है, अमेरिका का हमारे पास कोई पैनिक नहीं है, हम जो मर्जी आए वो कर रहे हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी में। तो आपको पता है कि कुछ नया आपको इस बजट में भी देखने को मिलेगा। ये जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है इसको हटाते हुए फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अगर बनना है हमें, तो हमें पूरी तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ेगा, ट्रेडिशनल बिहेवियर से न्यू बिहेवियर, मॉडर्न कल्चर पे आना पड़ेगा ताकि हम कुछ करें और लोग उसको फॉलो करें। हमारा सेंट्रल बैंक कुछ करे और फेड उसे फॉलो करे, कुछ ऐसा कल्चर लाने वाले हैं इस बजट में मोदी गवर्नमेंट। तो आप देखेंगे यहां पे सबसे बड़ा फोकस होगा, पहला देखिएगा यूनियन बजट 2023, द फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर इज द बैकबोन ऑफ एनी इकॉनमी, इट रिस्पॉन्ड्स डायनेमिकली टू द मूवमेंट इन द ग्लोबल इकॉनमी, द फाइनेंशियल सेक्टर इज होपिंग द गवर्नमेंट शैल अनाउंस सम पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स टू प्रोपल। अब आप समझ सकते हैं कि पूरा फाइनेंस सेक्टर जो पैनिक में आया है ड्यू टू कोविड, ड्यू टू अनसर्टेनिटी रशिया यूक्रेन वॉर, आपको पता है इसको स्टेबिलिटी, इसको क्लियरिटी देने के लिए कुछ रिफॉर्म्स आ सकते हैं इस बजट पे, ताकि क्या हो जाए, एक स्टेबल देखिएगा बैंकिंग सेक्टर ही ग्रोथ का मोमेंटम देता है। द इंडियाज बजट comes at time when the world is grappling with the geopolitical uncertainty. आप सभी जानते हैं कि विश्व के हर एक कोने में कुछ ना कुछ चल रहा है। ऐसे में हमें ऐसा बजट अनाउंस करना है, फोरकास्ट करने अपने रेवेन्यू, फोरकास्ट करने हमें अपने एक्सपेंसेस, और उसमें पिछली बार जैसा ना हो कि 1 फरवरी को 2022 को क्या आया था बजट, और उसके बाद 24 फरवरी को शुरू हो गया था युद्ध, रशिया यूक्रेन वॉर। तो ये जो पूरा प्रोजेक्शन था वो गड़बड़ हो गया, यानी कि जो भी पूरा क्लैरिटी दी जाती है बजट में, प्रोजेक्शन दिया जाता है, वो गड़बड़ हो गया। तो गवर्नमेंट के दिमाग में ये भी होगा कि हम रशिया यूक्रेन वॉर को देखते हुए चले। तो आप देख सकते हैं ग्रोथ थोड़ा सा देखिएगा सेक्रीफाइस करनी पड़ी है और करनी पड़ेगी, लेकिन हाई इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए, ऐसा टारगेट होगा सेंट्रल बैंक का। लेकिन गवर्नमेंट का मेन टारगेट ये है कि ग्रोथ मोमेंटम पेस बना रहे और किसी भी तरीके से हम टॉलरेंस लेवल के नीचे रहें, यानी कि 4-6% के बीच में ही अपनी महंगाई दर को रखें, ये बहुत बड़ी बात होगी। और आप समझ सकते हैं अगर ऐसा करने में मोदी गवर्नमेंट सक्षम हो जाती है तो बहुत बड़ी बात होगी। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये सबसे अच्छा बजट बूस्टर डोज बजट क्यों होने वाला है, क्योंकि ये देखिएगा मोदी गवर्नमेंट का लास्ट बजट है। तो आप समझ सकते हैं इसके बाद नई सरकार देखिएगा जो भी बनेगी वो बजट पेश करेगी। तो आप देख सकते हैं द लास्ट फुल फ्लेज बजट ऑफ करंट गवर्नमेंट बिफोर द 2024 लोकसभा इलेक्शन, स्टेक होल्डर वुड ईगरली अवेट्स क्यूज फ्रॉम द अपकमिंग यूनियन बजट 2023-24। तो आप समझ सकते हैं इसलिए गवर्नमेंट को पूरी तरीके से ऐसा प्लान करना है कि लाइक हमें जनता को खुश करना है। तो जनता को खुश करने के लिए क्या क्या देखिएगा कर सकते हैं, ग्रोथ प्रायोरिटी रख रहे हैं पूरी तरीके से ताकि लेबर की डिमांड लगातार बनी रहे, और ये 3 साल से रख रहे हैं और इससे काफ़ी फायदा हुआ है बैंकिंग सेक्टर का भी, अदर सेक्टर का भी। द फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर देखिएगा बैकबोन है, इसको पूरी तरीके से स्टेबल करना है, इंटीग्रेट करना है ग्लोबल इकोनॉमी के साथ ताकि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट देखिएगा बहुत तेज़ी से बढ़ सके।
इसके बाद इट इज एक्सपेक्टेड दैट द इंडियन गवर्नमेंट विल ट्राई टू सिंप्लीफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द कैपिटल गेन टैक्स. अब आप समझ लीजिए, ये प्रॉफिट से रिलेटेड है, ये सेविंग से रिलेटेड है, ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है. अगर यहां पे रिलीफ आता है तो ये ऐसे रॉकेट बना देगा मार्केट को, मार्केट को रॉकेट बना देगा अगर टैक्स स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं. और वो आएंगे तो मिडिल क्लास के देखिएगा बेनिफिट के लिए आएंगे, कॉरपोरेट क्लास के बेनिफिट के लिए आएंगे, ताकि अगली चुनाव में देखिएगा जीत हासिल की जा सके. तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे रैशनलाइजिंग द होल्डिंग पीरियड, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट अक्रॉस द इक्विटी एंड डेप्ट, ये सब चीज़ें क्लासीफाई करके तब देखिएगा न्यू स्ट्रक्चर में रिफॉर्म किया जाए कैपिटल गेन के. इसके बाद अगर आप बात करेंगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, इंडियाज ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस हब इज फास्टेस्ट इमर्जिंग अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर द फाइनेंशियल सर्विस प्लेयर. सम ऑफ द की टैक्स कंसिडरेशन विच द गवर्नमेंट में एड्रेस इन द अपकमिंग सेशन टू मेक IFSC मोर अट्रैक्टिव इंक्लूडिंग अ सेपरेट डिजाइन. तो आप समझ सकते हैं इसको IFSC को काफ़ी देखिएगा अट्रैक्टिव बनाना है, और यहाँ पे टैक्सेशन ऑफ फंड्स को भी बहुत अच्छी तरीके से क्या करना है, डिप्लॉय करना है. तो आप समझ सकते हैं कि टैक्स एक मेन टारगेट होगा ताकि जनता को कुछ किया जा सके. सेकेंड होगा इंफ्रा, क्लाइमेटिक कंडीशन, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सब चीज़ों का रोल काफ़ी ज़्यादा रहेगा. और आपको पता है कि टैक्स का बेनिफिट सुनते ही बाजार झूम उठेगा, तो ये जो डिप है इसका पूरा फायदा उठाइए, और क्लियरिटी आते ही आपको देखिएगा बाउंस बैक देखने मिलेगा. वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. थैंक यू सो मच.